वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्लान बनाकर आने वाला है कोई और नहीं बल्कि जसप्रीत, क्योंकि अब काफी ज्यादा बातें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आरवी ने कर दी है अनाउंसमेंट कि अब वो पूर्वी से करेगा शादी। और वो घर वालों के सामने सारी बातें बोलना तो चाहता होगा, लेकिन आरवी अपने दिल की बात और उसके साथ साथ हुए इंसिडेंट के बारे में नहीं बता पाएगा। लेकिन क्या होगा जब यहाँ पर जस्सी की एंट्री होगी, और क्या सच में यहाँ पर आरवी से अब पूर्वी को छीन लिया जाएगा, और भी बहुत कुछ खास होने वाला है। चलिए सारी बातें आपको बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या क्या खास दिखाया जाएगा। लेकिन इन सभी बातों को बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आप एक लाइक करेंगे हमें अप्रिसिएशन मिलेगी, और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर पूर्वी और उसके साथ साथ यहाँ पर आरवी दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हुए और भी ज्यादा नजर आएंगे। जितना ज्यादा यहाँ पर अब आरवी कोशिश करेगा कि पूर्वी को बता दे कि आखिर में उसने सब जल्दबाजी में बोल दिया था, वो ये सब नहीं कर सकता, लेकिन अब तो देर हो चुकी है, अब यहाँ पर शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन कहानी में अब आने वाला है जसबीर नाम का सबसे बड़ा गुंडा, जो कि अब कहानी को पूरी तरह से एक नए मोड़ पर लाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आरवी के पूरे परिवार को पता चल जाएगा कि पूर्वी के साथ में यहाँ पर आरवी घूम रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत जल्द ही वो शादी करने वाला है। आने वाला एपिसोड और भी सारे बड़े ट्विस्ट लेकर आएगा, जिसमें आप सबके सामने पूर्वी और आरवी दोनों एक दूसरे के साथ में नजर आएंगे, और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा यहां पर नजदीकियां भी बढ़ेंगी, जिसे देखकर आप खुश भी होने वाले हैं। कुछ रोमांटिक ट्रैक्स भी आएंगे, और उसके साथ साथ यहां पर अब सच में आरवी को पूर्वी से प्यार होने वाला है। लेकिन एंट्री होगी जब कृष्णा की, तो यहां पर होगा सबसे बड़ा खुलासा, और उसके साथ साथ बिजनेस में एक और सबसे तगड़ा झटका आरवी को लगेगा। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड सब देख के कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।